नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम शरीर पे होने वाले वॉर्ट्स या मस्से के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमें क्यों हो जाते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण हमारी शरीर की त्वचा पर उभरी हुई स्ट्रक्चर या आउटग्रोथ हो जाती है, इसे हम वॉर्ट्स या मस्से कह सकते हैं। और ये जो मस्से होते हैं, या तो ये स्किन कलर के हो सकते हैं, या रेड कलर के भी होते हैं, या ब्राउन कलर के भी होते हैं, और ब्लैक कलर के भी होते हैं। यह एक कॉन्टेजियस बीमारी है, तो जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपको भी वॉर्ट्स या मस्से की बीमारी हो जाती है। वैसे तो इन वॉर्ट्स या मस्से में कोई जलन या कोई पेन या कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन जब ये मस्से थोड़े से ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं और इनकी साइज़ बढ़ जाती है, और स्पेशली यदि ये होंठ के लिप्स के आसपास हैं या फिर आईज़ के आसपास हैं, तो विज़न में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूँगी। वॉर्ट्स या मस्से के केस में थूजा बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वह शरीर के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो तलुए में होने वाले प्लांटर वॉर्ट्स हों, या आँखों या मुंह के आसपास होने वाले पॉइंटेड फिलीफॉर्म वॉर्ट्स हों, या फिर वो कॉमन वॉर्ट्स हों जो हाथों के फिंगर पे ग्रे कलर के हो जाते हैं, या फेस पे होने वाले ऐसे फ्लैट वॉर्ट्स हों, या गले के आसपास और अंडर आर्म्स में होने वाले कॉलीफ्लावर वॉर्ट्स। थूजा 200 मेडिसिन की यदि दो डोज दिन में लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसको यदि थूजा क्यू जो होता है, यदि उसका एक कॉटन में वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको यदि कॉटन में लेके वॉर्ट्स वाले हिस्से पे अप्लाई करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन आप यदि फेस पे लगा रहे हैं तो पहले एक बार पैच टेस्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर इसके प्रिकॉशन की बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉर्ट्स या मस्से कॉन्टेजियस बीमारी है, इसलिए हमें हमारी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसी पार्लर या फिर किसी बाबर के यहाँ अनहाइजीनिक आर्टिकल्स यूज़ करने से भी ये बीमारी बहुत जल्दी फैल जाती है, इसलिए वहाँ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई वॉर्ट्स या मस्से को काटना, खींचना या नोचना नहीं चाहिए, और उनको बार बार टच भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने वॉर्ट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इसके ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल बात की है, और थूजा के अलावा दूसरी मेडिसिन को भी डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके वॉर्ट्स या मस्सों को ठीक करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।